तो गाइस देख सकते हो जेसीबी पूरा दम लगाती हुई ट्रक डीजे को निकालने के लिए जेसीबी खींच के लाते हुए अपने ट्रक डीजे को कीचड़ के अंदर से देख सकते हो। अरे भाई जेसीबी भी यहाँ पे गंदी तरीके से फंस चुकी है ट्रक डीजे को निकालते निकालते। भाई जेसीबी पूरी पावर लगाती हुई ट्रक को निकालने के लिए देख सकते हो। उसे तो भाई ट्रक डीजे पीछे की साइड पलटने को हो गया। अरे आराम आराम से देख सकते हो जेसीबी खींच के लाते हुए अपने ट्रक डीजे को। तो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग, होप करता हूँ सब मजे में होंगे। एक और GT5 की ब्रांड वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। तो देख सकते हो गाइस आज है मंडे और मंडे के दिन हम कर रहे हैं भाई अपना ऑफिस का काम यहीं से बैठे बैठे। क्यों कर रहे हैं बैठे बैठे, तो ये देखो भाई बारिश देख सकते हो भाई कितनी तेज हो रही है बाहर की साइड देख सकते हो। परसू रीता इतनी ज्यादा हो रही है ना, मतलब कि देखो बारिश ही बारिश हर साइड बारिश भरी हुई है भाई। स्विमिंग पूल भी ओवरफ्लो होके निकल के जा रहा देख सकते हो आपके सामने। तो भाई इधर की साइड पूरा गीला गीला हो रखा, अब क्या ही कर सकते हैं भैंस की डैड मैं। तो भाई रेनी कोट पहन के मस्त घूम रहा हूँ बारिश में देख सकते हो। एंड गाइज एक और काफी मतलब बेकार खबर आ रही है कि बेकार, अरे चोपड़ी कैसे ना रही है। चलो भाई पहले चोप की बात कर लेते हैं। है जी चोपड़ी भाई, ये देख सकते हो भाई चोप तो पूरी बारिश के मजे उठा रहा भाई, बारिश में नहाता हुआ चोप, क्या आवाज है भाई चोप, तू तो मजे ले रहा है। बाकी चोप वाला स्विमिंग पूल अभी भरा नहीं है, ओके बाकी मेरे वाला तो भर के देखो। तो भाई जा रहा उधर की साइड भाई, क्या ही बोल सकते हैं गाइस। तो एक बेकार खबर ये है कि हमारे जो ट्रक डीजे है वो फंस चुका है भाई बारिश में काफी गंदे तरीके से। तो उसको निकालना काफी जरूरी है वरना उसके स्पीकर्स खराब हो जाएंगे। जो हमारा नए वाला ट्रक डीजे आया है आप सब लोगों ने देखा होगा। तो गाइस उसके लिए भाई अभी मतलब कि मैंने टो वैन वगैरह भेजी, तो टो वैन वगैरह से तो कुछ भी नहीं हो पाया। तो भाई फिर मैंने जेसीबी मंगाई है, अब मेरे घर की साइड ही अभी डिलीवरी आने वाली है थोड़ी देर में, मतलब कि रेंट पे हम यहाँ पे जेसीबी उठा सकते हैं कुछ भी काम वाम करना हो तो हमें। तो भाई उसके लिए मैंने पैसा वैसा भरा, तो भाई पैसा वैसा भरने के बाद अब लेके आ रहे हैं जेसीबी यहाँ पे। मैंने बोला कि मैं खुद ही लेके जाऊँगा क्योंकि बारिश में अगर ये भी चीज़ फंस गई तो भाई काफ़ी करोड़ों का नुकसान होने वाला है हमें। तो उसी को देखते हुए गाइस अभी बस फटाफट यहाँ से निकलने वाले हैं हम अपनी जेसीबी में बैठ के। एक बार जेसीबी का वेट कर रहा हूँ क्योंकि भाई साहब रेडी रूडी हो गया हूँ मैं, रेनकोट वगैरह पहन के एंड ऑफिस का भी सारा काम निपटा लिया है। तो लेट्स गो गाइस, थोड़ी देर में यहाँ से जेसीबी लेके निकलेंगे। जितने आपको करना है गाइस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दो, फिर मिलते हैं आप सब लोगों से जेसीबी आने के बाद ही। तो लेट्स गो गाइस, देख सकते हो जेसीबी आ चुके हैं यहाँ पे हमारे ट्रक डीजे को बचाने के लिए। क्या शानदार लग रही है भाई जेसीबी, तो तगड़ी आई है भाई जेसीबी, तो भाई जेसीबी लग रही है भैंस की नेट भाई, क्या तगड़ी लुक है भाई साहब, एक नंबर भाई साहब, सिस्टम हैंग करने वाली चीज है यार। हम भी एक जेसीबी खरीदने की सोच रहे हैं, क्यों ना एक जेसीबी हम भी खरीद ले। बाकी बढ़िया भाई ओवरऑल लुक देख सकते हो भाई, जेसीबी आ चुके हैं ट्रक डीजे को भाई बचाने के लिए। तो यही खींच सकती हूँ क्योंकि काफी खतरनाक बारिश हो रही है आपके सामने देख सकते हो, बाकी काफी खतरनाक तरीके से भाई लग रही है अपनी जेसीबी। तो वाह बेटे मौज कर दी भाई, जेसीबी का डांस दिखाऊं तो भाई ये बहुत अलग लेवल पे उठ जाती है। देखो भाई जेसीबी का डांस देख सकते हो भाई, क्या खतरनाक डांस कर रही है जेसीबी। तो ओह ये क्या आवाज है भाई, कीचड़ कीचड़ हो रखा है भाई पूरी साइड। चलो बढ़िया, आ चाचा चौधरी तू यहाँ पे ड्रिफ्टिंग ड्रिफ्टिंग कर ले सेंचिनर लेके। चलो बढ़िया बढ़िया भाई, क्या आवाज है। चलो 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 अभी तो भाई जा रहे हैं जेसीबी वेसीबी उठा के। देखते भाई कीचड़ खाने की साइड आ चुके हैं जहाँ पे हमारा ट्रक डीजे फंसा हुआ, अभी आप सब लोगों को दिखाएंगे। बाकी भाई ये इधर की साइड से सही है भाई, जेसीबी में आया, वरना भाई मेरी अगर कोई गाड़ी होती तो गाड़ी का क्या हाल होता है ये देख सकते हो भाई। यहाँ पे भाई क्या खतरनाक लुक लग रहा है अपनी जेसीबी का, ओ ये सिस्टम हैंग करने वाली जेसीबी है। तो ओ रे 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 भैया 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 भाई ये तो कितनी ज़्यादा उड़ जाती है भाई, अपने डीजे वगैरह भी नहीं उठते इतना तो। बाकी भाई ये आगे जो लगा हुआ है ना इसकी वजह से भी हमें ज़्यादा उठता हुआ ये लगता है भाई। बाकी बढ़िया है ओवरऑल लुक देखा जाए तो भाई जेसीबी का खतरनाक है। बाकी देखो तो भाई सिस्टम तो हैंग कर ही रखा भाई, एक नंबर लग रही है मुझे तो भाई। अभी चलेंगे इधर की साइड से, और हमारा जो ट्रक डीजे फंसा उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है ऐसे कह रहे हैं, क्योंकि भाई बुकिंग बुकिंग के लिए गया था और वो मतलब बारिश में टायर वायर घुसा दिया इधर की साइड, तो भाई वो निकल नहीं रहा, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका हमें। बाकी कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, बाकी जेसीबी तो सिस्टम हैंग करने वाली है। ओ ओ ये अरे नहीं 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 नहीं, अब इधर की साइड से ऊपर की साइड से जाना नीचे की साइड से जाना। चलो यार नीचे की साइड से चलते हो ना, पहाड़ों पे ये भाई ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी हमें कहीं ये भी फंस गई तो। बाकी ठीक है गाइस, एक स्टंट करूँ तुम्हारे सामने, जेसीबी का एक स्टंट करते हैं यार, देखो इसकी भी टेस्टिंग वेस्टिंग कर लेते हैं थोड़ी। लेट्स गो, तो यहाँ पे जो ये पुल सा है ना छोटा सा, इसके नीचे छोटी सी मतलब जगह सी है, वहाँ पे टेस्टिंग वेस्टिंग करते रहते हैं। यहाँ पे जेसीबी को निकाल के देखते हैं कि जेसीबी निकलती है नहीं निकलती भाई, जेसीबी का टेस्टिंग होगी अभी इधर की साइड से। चलो भाई ये भी जगह इतना सा तो कर ही लेगी यार। बाकी भाई पानी भरा हुआ सा भी हुआ है थोड़ा सा इधर की साइड। लेट्स गो, धीरे 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 भाई जेसीबी जा रही है देख सकते हो, वोटर टैंक क्रॉस करने ये आराम। अरे नहीं 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 नहीं, पत्थर आ गया यार सामने यार, यहाँ की एक और जगह है क्या भाई, ये जगह है शायद, मेरे को लग रहा है यहाँ पे एक और जगह थी बढ़िया सी, शायद ये वो जगह नहीं है मेरे को जितना लग रहा। बाकी बढ़िया यार सिस्टम तो हैंग कर रही है, बाकी एक बार ना इसको अच्छे से निकालेंगे इधर की साइड से। हाँ अब सही लग रही है, देखो यहाँ से निकलेगी। तो देख सकते हो भाई जेसीबी भी पूरी डूबने को रही है पानी में देख सकते हो। और
हो भैया, पर निकल तो जा रही है जेसीबी के मजे लेने दीजिए। हमें पहुंचते हैं सीधा सीधा जहाँ पे हमारा ट्रक डीजे फंसा हुआ है एंड सीधा आप सब लोग को वहीं पे मिलते हैं। तो लेट्स गो। तो गाइस देख सकते हो जेसीबी पहुंच चुके हैं ट्रक डीजे को टो करने के लिए। लेट्स गो भाई साहब, अब तो भाई जेसीबी बचा सकती है क्योंकि अभी तो बारिश भाई थोड़ी कम सी भी हो गई है भाई, नाले नूले बहने स्टार्ट हो गए थे। तो भाई हमारा ट्रक डीजे इधर किधर ही फंसा हुआ है जितनी मेरे को लोकेशन बता रही है फोन में, बाकी दिख तो नहीं रहा। ओ वोरा गाइस दिख चुका आपको भाई साहब, ये किस खाई में गिर रखा भाई ये क्या सिस्टम करा भाई ये ताऊ ने भैंस की टेंट इसकी। तो भाई ये देख सकते हो ट्रक डीजे फंसा हुआ है नाले में भाई, काफी गंदे तरीके से पहाड़ों के बीच में। चलो बढ़िया भाई, ये तो भाई जेसीबी काम आई है, टो वैन क्या ही करेगी, टो वैन को तो भेज दिया लग रहा है इन्होंने। भाई 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 आराम से उतारनी पड़ेगी जेसीबी भी भाई, दिक्कत सी तो रही है बाकी भाई आराम से धीरे धीरे हिसाब से उतारनी पड़ेगी, बाकी इसको बांधेंगे रस्सी वस्सी से बाकी। लेट्स गो। वो भाई देख सकते हो जेसीबी आ चुकी है भाई अब टो करना पड़ेगा भाई। अब ये कैसी रोड क्या है ये, भैंस की टेंट नाला सभी भाई कितना ऊंचा नीचा है भाई अब तो ही करना पड़ेगा भाई। बाकी देख सकते हो भाई खतरनाक सीन हो चुका है यहाँ पे। ओहो ट्रक डीजे तो भाई पूरे नाले में फंस चुका गंदे तरीके से भाई, कुछ तो करना पड़ेगा बीड़ू लोगों कुछ तो। बस आण दूंगा थोड़ा इधर की साइड से लेते हैं। चलो भाई नीचे टायर देखो जेसीबी के नीचे देखो भैंस की टेंट, ये क्या जगह है भाई, ये नाला नूला चल जाता तो भाई यहाँ तो भैंस की टेंट हो जाती। चलो भाई थोड़ी धूप सी निकल गई है बारिश के बाद। बाकी देख सकते हो भाई जेसीबी टो करने जा रही है हमारे ट्रक डीजे को देख सकते हो। ओके लेट्स गो भाई एक बार रुक के भाई रस्सी वस्सी का सिस्टम बिठाते हैं क्योंकि भाई ये काफ़ी गंदी जगह नहीं फंसा मतलब इस नाले में। अच्छा इधर की साइड से घुमा रहे होंगे भाई साहब जी एंड तेजी में घुमा दिया होगा, इसकी थोड़ी मतलब ड्राइविंग व्हील है ही तुम्हें पता ही है। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे फंसा हुआ हमारा ट्रक डीजे और अच्छे से जूम करके बिल्कुल। ये देख सकते हो भाई ट्रक डीजे यहाँ पे काफ़ी गंदे तरीके से फंस चुका है देख सकते हो भाई पहाड़ों के बीच में, पर क्या ही कर सकते हैं भाई जेसीबी आ चुकी है अब ट्रक डीजे को भाई टो करने के लिए, तो काफ़ी गंदा सीन हो चुका है। बाकी ट्रक डीजे के दो टायर तो भाई हवा में है, चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई। बाकी बीड़ू लोगों ताऊ की इधर है तेरी भैंस की टेंट, ताऊ तू कहाँ है दिख नहीं रहा। हाँ ताऊ ये भैंस की ये कपड़े वपड़े पहन के अब क्या दिक्कत है भाई, ये ताऊ जी ने भाई साहब ये ट्रक डीजे भाई क्या एक साइड कर दिया पूरा यार। अरे भाई यहाँ तो चिकनी मिट्टी हो रहा है, मेरे तो भाई टांट फूट गई रहे। ताऊ तेरी तो भैंस की टेंट करूँगा मैं, मेरे को चढ़ने दो यार एक बार, ऊपर भी नहीं चढ़ा जा रहा यार यहाँ से। तो काफ़ी गंदा सीन है भाई, काफ़ी गंदा सीन है। देखो भाई कहाँ पे फंसा है भाई ट्रक डीजे रे इस ताव की। तो भाई ओ छोटू फटाफट वो बांधे इसकी रस्सी एंड फिर इसको खींचेंगे भाई साहब, तो रस्सी रुस्सी बांधनी पड़ेगी क्योंकि ये ट्रक डीजे भाई पहाड़ों के बीच में काफ़ी गंदा फंस चुका है देख सकते हो। इधर की साइड से कर गिरा है ये देखो तेजी बाजी में, यहाँ से आने के बाद ताव ने मोड़ी होगी भाई फुल स्वैग में, और इसकी थोड़ी स्टेयरिंग वैसी है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसकी मॉडिफिकेशन करानी बाकी है अभी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो रस्सी वस्सी बांधते और फिर आप सब लोगों से मिलते क्योंकि ये देखो भाई सिस्टम हैंग हो चुका है यहाँ पे काफ़ी गंदे वाला भाई। जेसीबी निकाल सकते सही मंगा ली भाई, यहाँ पे देख सकते हो भाई पूरा सिस्टम हैंग हो चुका ट्रक डीजे का देख सकते हो, एक साइड से उठ चुका पूरा। चलो कोई दिक्कत नहीं, रस्सी उस्सी बांधते फिर आप सब लोगों से मिलते। तो गाइस देख सकते हो जेसीबी पूरा दम लगाती हुई ट्रक डीजे को निकालने के लिए देख सकते हो। भाई क्या गंदे तरीके से फंसा ट्रक डीजे, तो टस से मस भी नहीं हो रहा भाई साहब, थोड़ी टेक्निक अपनानी पड़ेगी भाई। देख सकते हो जेसीबी भी यहाँ पे गंदी तरीके से फंस चुकी है ट्रक डीजे के साथ साथ। भाई कुछ तो करना पड़ेगा बीड़ू लोग, कुछ तो करना पड़ेगा मेरे को, तो भाई काफ़ी गंदी फीलिंग आ रही है यहाँ पे देख सकते हो भाई, ये कीचड़ में और फंसा हुआ भाई ट्रक डीजे तो बिल्कुल से मस नहीं हो रहा भाई ये क्या हो गया भैंस की टेंट भाई, थोड़ा सा तो खिंचा भाई, रस्सी भी थोड़ी ढीली सी पड़ गई, अब देखो टाइट हो गई है रस्सी पूरी क्योंकि आगे तक जैसे होती है। तो भाई ट्रक डीजे काफ़ी गंदा फंसा हुआ है यहाँ पे देखिए, तो भाई ऐसा फंसाया है इस ताऊ ने, एक तो भाई वो पत्थर से अब वहाँ से क्या अब जेसीबी वहाँ पहुँच भी नहीं सकती है देख सकते हो गाइस, पर क्या ही कर सकते हैं अब तो भाई जेसीबी पूरी पावर लगाती हुई ट्रक को निकालने के लिए देख सकते हो। ओ ये भाई खींच भाई आगे से उठा के खींचता हूँ ऐसे। चलो अब तो आएगा ही, चलो थोड़ा सा। ओ भाई ट्रक डीजे हिल चुका है देख सकते हो, जेसीबी टो कर चुके ट्रक डीजे को लेके जाते भाई। चलो भाई जैसे उस पत्थर के ऊपर से निकली ना तो अब तो आराम से निकाल लेंगे। चलो सीधा निकालना है यहाँ से भाई काफ़ी गंदा सीन हो रखा है इधर की साइड तो। ओहो भाई देख सकते हो जेसीबी खींच के लाते हुए अपने ट्रक डीजे को कीचड़ के अंदर से देख सकते हो। वीडियो आराम से, अब तो सीधा ही है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो खींच देंगे इसको भैंस की टेंट। चलो आराम से आ लो, मैं चाहता हूँ कोई नुकसान ना हो अपने इसमें भाई, तो बस धीरे धीरे आ रही है। बाकी देख सकते हो जेसीबी यहाँ पे निकालते हुए अपने ट्रक डीजे को कीचड़ के अंदर से देख सकते हो। ओ ये क्या आवाज़ है भाई, सिस्टम तो एक नंबर लग रहा है। बाकी जेसीबी ने 10 का दम दिखा के भाई ट्रक डीजे को ठस से मस करवा ही दिया है, क्या आवाज़ है सिस्टम हैंग कर दिया भाई जेसीबी भाई, पावर तो है अगर यहाँ पे वो। अब यार फिर आगे दो पत्थर आ गए हैं, अरे फिर से स्ट्रगल होने वाला, अरे जेसीबी तो एक साइड से उठ गई। भैया
ये क्या सिस्टम हो गया भाई, जेसीबी खुद फंस चुकी है, ट्रक डीजी को बचाने आई थी भाई, जेसीबी भी यहाँ पे गंदी तरीके से फंस चुकी है, ट्रक डीजी को निकालते निकालते, अरे रे 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 भाई, जैसे पत्थर आए भाई पत्थर के ऊपर भी, चल 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 चल, अरे रे ये क्या हो गया भाई, ये तो टायर से ही फ्री होंगे, चलो चलो निकल रही है निकल रही है धीरे धीरे भाई, जेसीबी अपना स्ट्रगल कर रही है, देख लो धुआं धुआं हो चुका है यहाँ पे, चलो भाई साहब निकल गई फाइनली भाई भाई भाई, ट्रक डीजे आराम आराम से भाई देख सकते हो भाई, ट्रक डीजे पीछे की साइड पलटने को हो गया, अरे रे 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 आराम आराम से भाई 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 भाई, क्या सिस्टम हैंग वाली चीज़ें हो रही है इधर की साइड, तो बस थोड़ा सा और बचा गाइस, अब हमें फाइनली डिसीजन ले लेना चाहिए कि हमें ऊपर की साइड चढ़ा है या सामने की साइड चढ़ा है, मैं तो कह रहा ऊपर की साइड चढ़ा देते हैं इधर की साइड, चलो 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 भाई धीरे 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 आराम आराम से चढ़ानी पड़ेगी, बस 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 बस, लो लो लो, लो अरे नहीं, पर हम इधर की साइड चढ़ाएंगे तो देखो पहले इधर की साइड हो रखा है तो हमें उधर की साइड, देखो इधर की साइड चढ़ाएंगे तो थोड़ा सीधा होगा होगा, नहीं यार ये तो सिस्टम हैंग हो रहा है इसके साथ, चलो भाई साहब ये फायर बोर्ड तो बहुत रखी इस पर काफ़ी कस के, चलो चलो सीधा हो गया देखा, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है गाइस, तो इधर की साइड से निकालेंगे, देखो अब ट्रक डीजे की जो संतुलन है वो मतलब थोड़ा सही है, तो लेट्स गो गाइस, चढ़ा रहे हो यहाँ पे, ओ भैंस की टैट भाई, कितना भारी ट्रक डीजे है, भैंस की खिंच भी नहीं रहा है देख सकते हो, और खिंच 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 की जेसीबी करके दिखाएगी आज तो, ले 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 बस 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 सिस्टम हो गया, बस पेड़ को नहीं लगना चाहिए भाई से, देख सकते हो जेसीबी का तो पूरा देख सकते हो पावर निकल गई है भैंस की टैट भाई, भाई देख सकते हो जेसीबी भी काफ़ी ज़्यादा दम लगा रही है, पर हिलने ठस से मस नहीं हो रहा भाई, यहाँ पे किस चीज़ को लग के आ गया है, एक बार देखना पड़ेगा गाइस हमें भी सिस्टम यार, इसको थोड़ा ऐसे करके खड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि इसको थोड़ा वो मतलब पीछे जाने को हो जाती है, तो देखना पड़ेगा कहाँ पे फंस गया अब ट्रक डीजे, काफ़ी गंदा सीन करा यार इस ताऊ ने तो आज भाई, बाकी अभी तक तो सेफ है, चलो कोई दिक्कत नहीं आई है, बाकी ये टायर अच्छा, ये टायर फ्री हो गए जब ये घूम नहीं पा रहा है, तो भाई देख सकते हो यहाँ पे टायर तो काफ़ी गंदे तरीके से फंस चुके हैं, पर कोई दिक्कत नहीं, चलो चलो थोड़ा सा मतलब झटका मार के लेना पड़ेगा ये वाला टायर भाई, कितने एक दो तीन चार टायर तो पांच टायर पूरे फ्री हो चुके हैं, देखो इधर की साइड से भाई भाई भाई, भाई क्या ही करे रे वीडियो लोगो, बाकी भाई यहाँ पे टायर फ्री हो चुके भाई, ट्रक डीजे देख सकते हो काफ़ी गंदा फंस चुका है इधर की साइड से, अब क्या ही कर सकते हैं वीडियो लोगो, थोड़ा सा दम दिखाना पड़ेगा जेसीबी को तभी कुछ हो पाएगा, चलो भाई साहब बैठते हैं फिर से जेसीबी में एंड 10 का दम लगवाते हैं, तो ये करी स्टार्ट जेसीबी, चलो भाई साहब आप दिखाना पड़ेगा 10 का दम भाई, 10 का दम तो दिखाना ही पड़ेगा वीडियो लोगो, खींच 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 भाई, थोड़ा सा और झटका, अरे वो जेसीबी पलटने को होगी, नहीं 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 वीडियो लोगो भाई ये सीन नहीं चाहिए भाई, नुकसान हो रहा है नुकसान हो रहा भाई, यही नीचे आ गई, अरे चढ़ जा भाई ऊपर, चढ़गी 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 चढ़गी, अरे भाई ट्रक नीचे तो इसको ही खींच ले रहा है, नहीं 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 भाई थोड़ा आगे की साइड से ले लेते हैं इधर की साइड से, क्योंकि यहाँ तो भाई ट्रक ये रुक ही नहीं रही है, वो वहाँ देखो फिसलन फिसलन भाई, मिट्टी इतनी गीली हो रखी ना भैंस की टेंट हो रही है इधर की साइड, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है अभी खींच लेगा अपना जो पावर है भाई जेसीबी, वैसे तो इसको खींच लेगी पर कोई बढ़िया सी जगह देखनी पड़ेगी, सामने देखो वहाँ बढ़िया जगह है तो उससे सीधा रोड पे चढ़ा देंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, जेसीबी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करती हुई ट्रक डीजे के पीछे पीछे, पर कोई दिक्कत नहीं भाई खींच तो लेगी अपनी जेसीबी, इतनी पावर दिख गई मुझे इसमें, चलो कोई दिक्कत नहीं भाई 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 भाई, अभी ये देख सकते हो भाई जेसीबी खींच के लाती हुई अपने ट्रक डीजे को भाई, काफ़ी स्ट्रगल कर करके, लेट्स गो भाई 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 भाई, काफ़ी ज़्यादा मशक्कत हो रही है पर कोई दिक्कत नहीं है भाई, खींच लेगी, अब यहाँ देखो पूरा सिंपल है ना, अब इधर से चढ़ा देंगे आराम से, अरे चढ़ जा भाई, देख रहे हो टायर कैसे घूमे जा रहे हैं, चलो चलो चलो, तो फाइनली भाई साहब ट्रक डीजे को निकालते हुए अपनी जेसीबी, बस 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 निकल गया, बस 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 थोड़ा सा और, तो फाइनली देख सकते हो जेसीबी खींच के लाती हुई अपने ट्रक डीजे को कीचड़ से बाहर, एंड अब तो भाई रोड पे आ चुके हैं भाई, बिल्कुल देख सकते हो सिस्टम हैंग हो चुका है इसका, तो भाई ट्रक डीजे का भाई आगे के शीशे वीछे टूट गए, चलो कोई दिक्कत नहीं है, पर भाई साहब बचा तो लिया एटलीस्ट भाई, अगर वहाँ पे नाले नूले में पानी आ जाता ना भाई खतरनाक वाला, तो पूरा बह जाता और पूरा टूट जाता अपना ट्रक डीजे, पर अब देख सकते हो भाई धीरे धीरे खींच के लाते भाई, क्या बात है भाई सिस्टम हैंग करने वाली भाई, जेसीबी ने आज का 10 का दम दिखा दिया, देख सकते हो भाई 10 के दम पे भाई आ चुका अपना डीजे बाहर, पर चलो बचा लिया भाई जेसीबी ने, भाई जेसीबी ने काफ़ी मस्त काम किया भाई, वैसे भाई दो वैन की तो भाई कोई मतलब खींच ही नहीं सकता था भाई, कोई सी गाड़ी वाड़ी भाई जेसीबी में जितनी पावर है ना, तो देख सकते भाई जेसीबी फाइनली निकालते हुए अपने ट्रक डीजे को भाई काफ़ी मशक्कत के बाद, ये क्या बात है भाई, सिस्टम हैंग कर दिया भाई ट्रक डीजे का, तो भाई काफ़ी भारी है ट्रक डीजे ये तो मानना पड़ेगा भाई, तो इसको रोड की साइड तक तो ले ही चलते क्योंकि गाइस वहाँ से तो फिर स्टार्टअप टूट करने का भी सीन हो जाएगा, या फिर से ऊपर जो टो ट्रक आएगा ना उसमें रखवा देंगे और फिर भाई ये जाएगा, क्योंकि इसके इंजन में काफ़ी ज़्यादा पानी भर चुका है, स्टार्ट तो ये होगा नहीं, स्टार्ट तो हमने तब भी मतलब कोशिश करके देखी थी, बाकी ट्रक डीजे को खींच के लेके जाती हुई अपनी जेसीबी देख सकते हो, क्या बात है भाई सिस्टम हैंग कर दिया भाई जेसीबी ने, तो क्या बात है मेरे भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मौज बांधी मौज ही बांधी, तो देख सकते हो भाई ट्रक डीजे को लेके जाती हुई टो करके अपनी जेसीबी,
क्या बात है भाई, सिस्टम है भाई जेसीबी का, जेसीबी का तो सिस्टम मानना पड़ेगा वीडियो लोगों भाई की माँ, मजेदार चीज है। बाकी इधर की साइड तक ले आते थोड़ा, मतलब रोड की साइड खड़ा कर देंगे यहाँ पे भाई, रोड पे भी नहीं लेके जाएंगे, बस इधर की साइड ही खड़ा कर देंगे। तो भाई फिर सिस्टम हैंग हो जाएगा ना, मतलब सही, मतलब कि बढ़िया हो जाएगा कि भाई खींच के ला चुके हैं। इसको देखो थोड़ा साइड में ही खड़ा करवाया मैंने, देखो चलाना तो आता तुम्हारे भाई को जेसीबी। भाई एक बार रस्सी रुस्सी खोल देते हैं भाई, क्योंकि सिस्टम हैंग हो जाएगा इधर की साइड भी, तो बस इधर की साइड खड़ा कर देते हैं थोड़ा। देखो आने जाने वाले वो को भी कोई परेशानी ना हो, और हम भी यहाँ से आराम से निकल लेंगे। फिर ट्रक डीजी को उस पर ऊपर टो करवा देंगे जो टो वैन आएगी। बाकी भाई साहब जेसीबी ने तो 10 का दम दिखाया भाई, देख सकते हो अभी इधर एक साइड खड़ा करवा दिया। बाकी यार डैमेजेस तो काफ़ी हैं इसमें, आगे का शीशा वीशा भी टूट गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, स्पीकर्स वगैरह में मिट्टी सी बन चुकी, देख रहे हो आपको दिख रहा होगा ना ये। चलो कोई दिक्कत नहीं गाइस, तो ठीक है इस, फिर आज की वीडियो इतनी रखते हैं, होप करते हैं आपको मजा आए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना फिर जेसीबी का दम कैसे लगा भाई, दम तो काफ़ी ज़्यादा लगा वीडियो लोगों। तो चंगा फिर अगली वीडियो।